हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे सस्ते 5G फोन्स के बारे में, जो कि दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 3 फ़ोन देखने को मिलेगा जो कि सबसे सस्ता 5G फ़ोन देखने को मिलेगा। और सभी में आपको अच्छा परफॉर्मेंस, बैटरी, डिस्प्ले और कैमरा देखने को मिल जाएगा। अगर आपको एक सस्ता 5G फ़ोन चाहिए आज के डेट में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पोको M6 Pro 5G के बारे में। शानदार डिज़ाइन है इस फ़ोन का। बैटरी लाइफ इसमें आपको बढ़िया देखने को मिल जाती है दोस्तों। कैमरा यहाँ पर आपको शानदार देखने को मिल जाता है, जो कि आपको इस प्राइस रेंज में आपको अच्छा अट्रैक्टिव कैमरा देखने को मिलता है। साथ ही अगर बात करते हैं यहाँ पर इस फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में भी कोई कमी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 4 Zen 2 चिपसेट देखने को मिल जाएगा। गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है इस फ़ोन में। आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। 5G सपोर्ट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। 10,000 से कम में भी आपको ये फ़ोन देखने को मिलता है 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो अगर आप इस फ़ोन के साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा। साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले फ़ोन के बारे में। तो रियलमी C65 5G आपको इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको इस फ़ोन का डिज़ाइन थोड़ा सा हटके देखने को मिलता है। राउंड शेप में आपको कैमरा कट आउट देखने को मिलता है। डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी सेंसर आपको 50 MP का देखने को मिल जाता है। फुल HD वीडियो आप यहाँ पर आसानी से रिकॉर्ड कर पाएगा। परफॉर्मेंस में भी आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। आप हल्का फुल्का गेमिंग कर पाएगा। मल्टीटास्किंग में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर बैटरी के बारे में, तो बैटरी भी आपको यहाँ पर बढ़िया देखने को मिलती है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले आपको यहाँ पर HD प्लस ही देखने को मिलता है। और इसके बारे में बात करें तो प्राइस आपको यहाँ पर 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज आपको 10,499 रुपये में मिल जाएगा। परफॉर्मेंस यहाँ पर बढ़िया देखने को मिलता है। सस्ते में IQ Z9 Lite को भी आप एक बार देख सकते हैं दोस्तों। गेमिंग फ़ोन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट रहने वाला है। परफॉर्मेंस आपको बढ़िया निकल कर देगा। फ्री फायर जैसा गेम आप नॉर्मल सेटिंग्स पर खेल पाइएगा। यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 देखने को मिलता है, जो कि आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। साथ ही 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है, यानी डिस्प्ले आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है 50 और 2 का, जो कि फोटो और वीडियो आपको अच्छा निकाल कर देगा। इस प्राइस रेंज में जो कैपेसिटी है वो तो आपको देगा ही देगा। साथ ही 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। बैटरी का चार्जिंग कैपेसिटी आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्लो देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं प्राइस के बारे में, तो 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 10,400। इन सभी फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन आपको ज़्यादा बेस्ट लगा दोस्तों, आप हमें चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।